वाराणसी जनपद के SDM राजा तालाब ने कपसिटी स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र के समीप शनिवार को एक कैंप लगाया। आपको बता दें, वाराणसी जनपद में कपसिटी से बाबतपुर मार्ग चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित किसानों के लिए SDM ने यह कैंप लगाया था। कैंप में काफी संख्या में किसान मौजूद हुए, जिसमें हरिभानपुर, बाराडी, कालिका बाजार सहित आसपास के गांवों के किसान रहे। किसानों ने एक पत्रक भी SDM को सौंपा और अपनी समस्याओं को SDM से साझा भी किया। SDM ने कहा, किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो पाएगा। वाराणसी से PPC रिपोर्टर चंद्रभान सिंह की ये रिपोर्ट। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे कैंप लगा है, किस पर्पज से लगा हुआ है? ये बाबापुर कपसेठी मार्ग में राजा तालाब तहसील के अंतर्गत 4 गांव हैं जो प्रभावित हैं जी। उनपे जो मुआवजा बंटना है जी, वहाँ पे कुछ लोगों को आपत्ति है जी। उन आपत्ति का निस्तारण करने के लिए और साथ ही साथ कुछ लोगों की जहाँ आपत्ति नहीं है जी, उनके बैनामों को त्वरित गति से पूरा कराने के लिए ये कैंप लगाया गया जी। एक चीज़ ये किसानों का यह कहना है सर कि बार बार एक ही चीज़ की नापी 4-5 बार होती है, तो क्या एक बार जब नापी हो जाए, या तो एक टीम गठित हो जाए या तो राजस्व विभाग जैसे आपकी टीम के द्वारा, तो ये नापी एक बार हो या 4-5 बार किया जाए? किसानों का ये कहना है कि बार बार परेशान होते हैं कि आज नापी है कल नापी नहीं, है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। हम लोग ने टीम गठित करके जी पूरा फील्ड बुक बना के इसको नापी किया है जी। कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनका प्रभावित नहीं है, उन्हें लगता है कि उनका प्रभावित है जी, उनके द्वारा आपत्ति की जाती है, पर नापी की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से 2-3 कानून को और कुछ लेखपालों की पूरी टीम बना के जी और फील्ड बुक तैयार करके नापी का पूरा कार्यक्रम किया गया है जी। और सर, एक चीज़ और ये कहना है कि जैसे पहले जो एप्लीकेशन पड़े हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जैसे तुरंत तत्काल जो है फ़ोन पर रहो या तो आज कल रात कल शाम को सूचना दी जाती है और आज सुबह में नापी के लिए तैयार हो जाते हैं अधिकारी, ऐसा सुनने में आया है? नहीं, ये तो आप कोई दूसरा प्रकरण इस चीज़ में बता रहे हैं। बाबापुर जो कपसेठी मार्ग पे जी है, वो करीब 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने जो पूरा कर दिया है जी। जब प्रथमतया पहली रेट जब आई थी उसी की बात से नापी की कार्रवाई पूरी कर दी गई जी। जैसे नापी होने के बाद भी PWD में सूचना दिया गया है जी, लिखित चला गया है कि किसका कितना बन रहा है जी, उसके बावजूद भी बार बार बता देता हूँ कि तहसील स्तर पे मात्र इतना काम है कि किस रोड पे किस व्यक्ति का कितना रकबा प्रभावित हो रहा है और उस रकबे प्रभावित रकबे में किसका कितना अंश है वो हमें बताना है। बाकी बैनामे संबंधित पूर्ण कार्रवाई और साथ ही साथ पेमेंट की कार्रवाई PWD के स्तर से ही होनी है। तो आज के कैंप का ये आयोजन करने की एक मंशा ये भी थी ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और उसे PWD को निर्देशित किया जा सके कि जो चीज़ जहाँ पे आपत्ति नहीं है, जहाँ पे बैनामों में तेजी लाई जा सकती है, उसे यथागति तेजी लाते हुए बैनामों को बोल कराए।